नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जहां शहर के सेंट एसआरएस पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने बाजी मारी है। प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां और 9वां स्थान प्राप्त कर शहर और विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं शहर भर में उनकी इस उपलब्धि पर जश्न का माहौल देखा गया। मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा सलोनी भार्गव ने 489 अंक हासिल कर सूची में पहली जगह बनाई है। कहते हैं सच्ची मेहनत आपको मुकाम हासिल कराती है। कुछ ऐसा युवा शहर के सेंट एसआरएस पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा सलोनी भार्गव और साक्षी साहू के साथ इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर प्रदेश सहित शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक अर्जित कर मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई है। बता दें कि सलोनी भार्गव कक्षा 10वीं पढ़ती है और उन्होंने मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है। वह यूपीएससी की तैयारी कर प्रशासनिक सेवा करना चाहती हैं। मात्र 6 घंटे में पढ़ाई करती ही थी। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर उनके गुरु और उनके माता पिता को श्रेय जाता है। वहीं कक्षा 12वीं पढ़ने वाली इसी स्कूल की छात्रा साक्षी साहू ने प्रदेश की मेरिट सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। वह कृषक की बेटी है और उन्होंने परीक्षा में सफल होने के लिए मेहनत की है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे वह घर जाकर पढ़ती थी और आज इस मुकाम पर आई हुई हैं। साक्षी कलेक्टर बनना चाहती हैं। घर में पापा क्या करते हैं और किस तरह पढ़ाई करती थी आप? पापा एक नॉर्मल किसान है और घर में पढ़ाई के लिए हमेशा एक वातावरण रहा है कि पढ़ो, अच्छे पढ़ सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूं। किसको श्रेय दें? इसको सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स को, हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। उसके बाद हमारे जो भी टीचर्स हैं, डायरेक्टर सर और सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने स्टार्टिंग से हमें मोटिवेट किया जिसकी वजह से आज हम एट एमडी मेरिट में एट पोजीशन में अचीव। कितने घंटे पढ़ाई की करती थी? हमने नॉर्मली तो हम नॉर्मल डेज में तो 3 से 4 घंटे करते थे सेल्फ स्टडी, और जब एग्ज़ाम टाइम है तो ज़्यादा। क्या बनना चाहती हैं आप? हम यूपीएससी करके आईपीएस। आपका क्या नाम है और कौन सा अंक आपका स्थान मिला आपको? मेरा नाम साक्षी साहू है और मैंने एमबी स्टेट में नबी रैंक। लग रहा है, कैसा लग रहा है? उम्मीद तो मुझे और बच्चों की थी कि कम से कम मेरे यहाँ से 10-12 बच्चे आएंगे, किंतु वो 2-3 नंबर से किसी कारणों से रह गए हैं। तो उनको फिर भी मैं ये कहूँगा बिल्कुल निराश ना हो, आगे भविष्य आपका उज्ज्वल है और यह संस्था उनके उज्ज्वल भविष्य लिए हमेशा तत्पर रहे। और इस समय अच्छा लग रहा है और मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि पेरेंट्स ने जो संस्था पर विश्वास जताया है उस विश्वास पर संस्था प्रतिवर्ष खड़ी उतर रही है। पिछले कई वर्ष से लगातार इस संस्था से कई बच्चे मेरिट होल्डर होकर निकल रहे हैं और अधिक 99% जो है फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं। जिनकी मेरिट अगर वो देखा जाए परसेंटेज तो 90% से ऊपर है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।